यू कैन स्टार्ट। ओके, हाय शशांक, हाय जदीप। हेलो रेखा हाय जी। रिचा जी, हाय। जदीप क्या हो गया, आप इतने चेंज लग रहे हैं। बस कुछ डाइटिंग या कुछ फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बस ऐसा ही कुछ, मान लीजिए आप, बहुत मोटापा बिल्कुल हो गया था। थैंक चेंज लग रहे हैं, मतलब बहुत शॉकिंग यू है आपका लुक, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। क्या बात है, जयदीप जी। अच्छा जयदीप शॉकिंग, जी अच्छा अच्छा लग रहा है, क्या शॉकिंग है ये। अरे क्या, आप तो अच्छे कभी लगते नहीं थे, शॉकिंग है ये तो। नॉट लाइक दिस, नॉट नॉट दैट अदर वे। आप हमेशा से अच्छे थे। जयदीप जी हमें एक दिन अपने सिक्स पैक ऐप वाले लुक के साथ सरप्राइज करने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे ऐसी बॉडी वाली फोटो, बस उसी का कहीं इंतजार है। ऐसा तो नहीं अगला प्रोजेक्ट कोई सुपर हीरो वाला करने वाले हो आप। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी। थैंक तो पहले तो बबलू भैया बधाई हो, बहुत यू थैंक बेहतरीन, बहुत बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी है वो, बहुत अच्छी यू लगी जयदीप। हमें। आप बताइए, आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा। बहुत अलग तरीके का रोल है, शायद पहली बार ऐसा रोल निभाया होगा आपने, आई थिंक। जी तो जी कैसा, वो वही बस वही है वो पहली तो वो खूबसूरती है कि वो पहले कभी हुआ नहीं था हाँ। ऑन स्क्रीन। तो वो वही थॉट के साथ इसको इसको लिया गया। सुशांत से बात जब हुई तो मैंने कहा भाई थोड़ा मुश्किल, मैं जब पहले मैंने पढ़ा अपने आप तो मेरा पहला थॉट था कि ये मैं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं उसको किस तरह से उतने थोड़े टाइम में फिल्म होती है तो आपके पास, मतलब मुझे ऐसा लगता है है, अगर एक लंबी 2 घंटे की फिल्म है तो आप क्या एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हो, एक ग्राउंड तैयार हो जाता है, बट 30 मिनट में क्या वो बात पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी। देन आई मेट सुशांत एंड आई टोल्ड हिम कि भाई मुझे एक बार आपने मुझे बता दे कि तू क्या सोच रहा है इन किरदारों के बारे में, कैसे ऑन स्क्रीन जाने वाले हैं, किस तरह से वो रिलेशनशिप दिखने वाले। तो आई थिंक वो चाय के ऊपर कुछ 15 मिनट आधा घंटा बैठे और द मोमेंट आई गॉट दैट कि हाँ मैं बताता हूँ, मैं मेरा मानना है आप एक्टर अगर सेफ हाथों में नहीं है ना तो वो कहीं नहीं पहुंचेंगे वो शब्द, तो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है। तो मैं जस्ट द मोमेंट मुझे लगा कि हाँ शशांक को अपने किरदारों के बारे में पता है ना इन एंड आउट, तो मैं सेफ हूँ, मैं बच जाऊंगा, ये हो जाएगा, तो ऐसे चलो बनाते। क्या बात है। शशांक, आप बताइए जयदीप के बारे में, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस एंड ऑल। जी जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा और उतना बेहतर, और टू बी ऑनेस्ट मैं हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ ही गया था कि जयदीप जयदीप के प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा जानता हूँ बिकॉज हमारी एक्टिंग ट्रेनिंग सिमिलर स्कूल से थी, तो मैं मालूम था कि ये उस हिसाब से ही परफॉर्म करेंगे। एंड आई थिंक बहुत मजा आया बिकॉज व्हाट आई लव्ड इज कि उन्होंने कोई भी पॉइंट पे इसे ये नहीं सोचा कि ये शॉर्ट फिल्म, हम सबके लिए ये फिल्म थी, इन्होंने उसे उतना ही उन्होंने उसे एक कहानी की तरह ट्रीट किया और अपने कैरेक्टर को उतना ही 110% दिया शायद वो जहां और देते थे। एंड आई थिंक बिहाइंड द सीन्स हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होती थी बिकॉज हमारी एक एक्टिंग स्कूल की ट्रेनिंग सिमिलर थी, तो बहुत बार हम वो बातें करते थे, आई थिंक बाकियों को आसपास थोड़ा पका ही देते थे हम दोनों, जब हम ट्रूथ ऑफ द मोमेंट और एक्शन प्रॉब्लम्स और इन सब चीजों की बातें, हम अपने फिल्म स्कूल के दिनों की बातें करना चालू करते थे। एंड वी देन काइंड ऑफ रियलाइज कि हमारी ट्रेनिंग इतनी सिमिलर है, हमारा एक सीन कंस्ट्रक्ट करने का, कैरेक्टर कंस्ट्रक्ट करने का तरीका इतना सिमिलर है, एंड दैट गेव अस अ लॉट ऑफ कंफर्ट बिकॉज हमें हमें जब भी कैरेक्टर को बात करना होता था कि इस कैरेक्टर को कहाँ लेके जाना है, वी एक्चुअली हैड लॉट ऑफ वर्ड्स टू टॉक अबाउट इट, हमारे पास बहुत ट्रेनिंग थी उसको बैक करने के लिए, तो हमें कभी कभी ऐसी बातें नहीं करनी पड़ती थी कि अच्छा जयदीप अब आप सैड होके दिखाओ या अब आप हैप्पी होके दिखाओ, वी नेवर स्पोक ऑन दोज लेवल्स, वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ डू वी टेक दिस कैरेक्टर टू दैट इमोशनल पॉइंट जहां पर हमारे हमारे को ये चाहिए। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड अस एंड वी रियली एक्चुअली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कनेक्टेड ओवर इट, एंड थैंकफुली आफ्टर दैट ऑल्सो वी हैव बीन कंटिन्यू टू स्टे इन टच, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये करेक्टर को ध्यान में रख के स्टोरी लिखी गई थी, या स्टोरी लिखने के बाद करेक्टर्स डिसाइड हुए थे इसको। एक्टर्स एक्टर्स या कैरेक्टर्स? सॉरी, एक्टर्स या एक्टर्स हाँ नहीं ऑफ कोर्स वो तो मतलब पहले तो मेरे डेफिनेटली तीनों कैरेक्टर्स लिखे गए थे बिकॉज जब मैं लिख रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसे अल्टीमेटली कौन दर्शाएगा, और मेरा एक प्रोसेस ये भी रहता है कि मैं फाइनल ड्राफ्ट थोड़ा एडजस्ट करता हूँ बेस्ड ऑन मैंने किनको कास्ट किया है। तो ऑफ कोर्स जब से इम्पोर्टेंट था कि तीनों जो किरदार आए दे अंडरस्टैंड व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट, दे अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स, और जैसा कि पहले भी कहा जयदीप ने भी कि जयदीप के जब एप्रिहेंशन
उनको पता चल गया कि ओके दीज आर फाइन, ही इज ऑन बोर्ड. उसके बाद मैंने एक दो छोटी छोटी चेंजेस की, जस्ट कीपिंग इन माइंड कि अब मुझे जयदीप कास्ट हुए हैं, जयदीप के सामने फातिमा है और जो तीसरे कैरेक्टर है वो अरमान है. सो द मिनट आई हैड द थ्री ऑफ देम, मेरे पास वो फिजिकली भी थे मेरे सामने, मेरे को उनकी इमोशनल रेंज भी पता थी, तो फिर मैंने छोटे छोटे ट्वीक्स किए सो दैट इट काइंड ऑफ सीम्स दैट कि इन तीनों के अलावा और ये कोई रोल नहीं कर सकता है. एंड अल्टीमेटली व्हेन आई सी द फिल्म आई रियली फील आई गॉट वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि आई थिंक इन तीनों के अलावा शायद कोई कर पाते. सो आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट दैट. जयदीप, इस पर्टिकुलर छोटे से रोल में बहुत सारे शेड्स देखने को मिले आपके, इमोशनल भी, थोड़ा सा ग्रे भी, थोड़ा रोमांटिक भी, इस तरीके के सब शेड्स देखने को मिले. आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा इस पूरी स्टोरी में अपने रोल को लेकर के? सब कुछ. जैसे वो आदमी जिंदगी जी रहा है और सालों से जैसा जीता आ रहा है, तो वो तो गिवन फैक्ट है कि वो उन सब इमोशंस के थ्रू जाने वाला है, आज नहीं तो कल. और उस कहानी जो जितना हिस्सा हम कहानी का आपको दिखा रहे हैं उसी में वो उन सब से निकलता है. तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही खूबसूरत चीज थी, क्योंकि इससे बेटर एक्टर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं कि उसको अपनी अपनी कहानी में उसको ये ट्रांजिशंस देखने को मिल जाए, कि ये करने को मिल जाए कि वो सिर्फ एक इमोशन के साथ ना जी रहा हो, उसको वो सब फील हो जो जो ह्यूमन लाइफ में हम सबको अलग अलग टाइम पे होता रहता है. तो आई थिंक वो बहुत बड़ा रीजन था इस बात को कि मुझे बबलू करना है. तो वो बहुत बहुत ज्यादा, वो दिखने में बहुत सिंपल दिखता है बाहर से कि हाँ ऐसा होगा ऐसा, हर किरदार खूबसूरती यही है उस फिल्म की. सबको अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात कर रहे थे तो शशांक कह रहा था कि कितनी खूबसूरत बात है वो कि इतनी बड़ी हवेली में सब है, सब कुछ है, पैसा है, पावर है, इज्जत है, शोहरत है, सब है, पर खालीपन है, बहुत खालीपन है, क्योंकि किरदारों में खालीपन है. तो वो चीज जब स्क्रीन पे आप देखते हो ना तो बहुत खूबसूरत लगती है, क्योंकि आप एज एन एक्टर एज ए डायरेक्टर शायद उसको थोड़ा सा पहले फील कर पाते हो जब तक वो ऑडियंस तक पहुंचता है, हम वो जी चुके होते हैं. Correct. तो वो अब वो वैसा वाला कि प्राइम टाइम आप देखते हो पहले, सबसे पहले तो हम देखते हैं उसको कि वो कहानी हमारी आंखों सामने से हो रही है और हम उसका हिस्सा है. दिक्कत ये है तो जब तक ऑडियंस तक बात पहुंचती है ना, हम मुझे ऐसा लगता है कई बार मैं बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं उस फेज से ना बाहर आ चुका होता हूँ और मुझे दोबारा से उस जर्नी को महसूस करना पड़ता है कई बार. क्या रहे यार, शिट, ऐसा हुआ था मेरे साथ उस वक्त, समझ रहे हो. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये. पर हाँ, ये खूबसूरती है उन किरदारों की कि वो हर हर इमोशन के साथ निकल. ये जो पेयरिंग है फातिमा और जयदीप की, हम जानना चाहते हैं ये पेयरिंग जब शूट करी जा रही थी तो कैसा लग रहा था, जब रेडी हो गई तो क्या लगा कि मतलब एकदम परफेक्ट पेयर हमने निकाल के सेलेक्ट किया है, कैसा रिएक्शन? मैं थोड़ा नाराज था, मैंने कहा ये क्या बात है, अरे इतनी अच्छी इतनी इतनी खूबसूरत को एक्टर है और कह रहे हैं कि पहली लाइन है ट्रेलर में हम आपसे प्यार नहीं कर पाएंगे. मैंने कहा क्या चल रहा है ये. I was very disappointed. मैंने जयदीप को पिच ही ऐसा किया था, जयदीप बोला था कि बहुत रोमांटिक फिल्म है तो जयदीप वाला कौन से आए, और मैं बोला पहला डायलॉग ये है आपका, तो बहुत अच्छा आप मेरे को फंसा रहे हो. बट आई लव्ड इट कि जिस तरह से वो लिखा गया था, वो बहुत प्यारे किरदार हैं, वो अपने फ्लॉज के साथ हैं बट प्यारे. अरमान के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, बहुत कम दिखे हैं वो अभी तक स्क्रीन पे, तो उनके बारे में कुछ बताइए जयदीप, कैसा रहा उनके साथ? बहुत बढ़िया. मैं दो क्योंकि मैं भी पहली बार ही मिला था, तब जब फिल्म की शुरुआत में जब हम वर्कशॉप के लिए मिले, थोड़ा सा एक दूसरे से बातचीत करने के लिए और थोड़ी स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए, कॉस्ट्यूम्स के लिए, तो मुझे बहुत सॉर्टेड बंदा लगा वो पहली मुलाकात में. एंड देन जब सेट पे आए तो उसका उसका है अपना एक अपनी तैयारी के साथ. मुझे एक्टर जब तैयारी के साथ आता है ना बहुत अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी वो मोल्ड किया जा सकता है, पर आप अगर एकदम ही कुछ सोच ही नहीं रहे ना किरदार के बारे में तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर वो रिलेशनशिप क्रिएट करना वो सब चीजें. तो हाँ, मैंने बहुत मजा किया उसके साथ काम करके, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्विक है चीजों को लेने की. अगर आप उसको कुछ फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सजेस्ट कर दिया, देन ही कम्स विद अ थॉट. ऐसा नहीं क्या हाँ ओके हाँ बोल के निकल लो या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा. तो वो बहुत इंटेलिजेंट एक्टर है इस मामले में.
और मुझे लगा कि वो बहुत सिंसियर है, और आई थिंक सबसे एक क्वालिटी जो एक्टर में होनी चाहिए वो सिंसियरिटी होनी चाहिए, और आई थिंक वो जिस सिंसियरिटी से आया इट एक्चुअली मोटिवेटेड ऑल ऑफ अस एज़ वेल, बिकॉज ही वाज पुटिंग इन सो मच एवरीडे इनटू दैट कैरेक्टर, और वो धीरे धीरे अपने आप को, बिकॉज प्रोबेबली ही वाज द मोस्ट अवे फ्रॉम व्हाट राजकुमार मिश्रा एक्चुअली इज, बट द अमाउंट ऑफ वर्क ही पुट इन टू काइंड ऑफ रियली ओन दैट रोल, आई थिंक आई कैन ओनली फील प्राउड, एंड आई थिंक व्हाट जयदीप सर इज करेक्ट, कि फिर जब तीनों सेट पे आए ना तो फिर आपको पता था कि तीन तैयार लोग आए हैं और अब हम एक्चुअली क्रिएटिव चीजें करने वाले हैं रादर देन सॉर्टिंग आउट प्रॉब्लम्स, एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग. And the leaving those moments is beautiful, ना तैयारी हो गई है, अब तो बस बहना है, अब हो गया है, अब तो बहना है. Correct. Jaydeep, what next after this? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बता पाए, क्योंकि चीजें अभी शुरू हुई है, क्योंकि पिछला साल आप जानते हैं किस तरह से निकला है, तो अभी कुछ आएगा तो जरूर उस बारे में बात करूं. बिल्कुल, और तब तक के लिए इस फिल्म के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आप दोनों को. थैंक यू सो मच. थैंक यू, बहुत बेहतरीन है, आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगी. थैंक यू, थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू, टेक केयर. थैंक यू, बाय बाय बाय.